हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन सुविधा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है कुंदन ऑनलाइन सुविधा के नाम से, इस पे बहुत सारे कंटेंट्स जो है उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज से लेकर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो आपको वीडियोज है वो उपलब्ध है। और आप इसे डेली विजिट करें, वीडियो विजिट करें, आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जो है शेयर करना है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो बिहार ITI फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है 2024 का, वो आ चुका है, उसका लिंक एक्टिव हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ। और इसका मेरिट लिस्ट जो है उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 17 अगस्त 2024 को जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसका सत्यापन जो है आपका दस्तावेज सत्यापन और दाखिल प्रक्रिया का जो आयोजन है वो 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक किया जाएगा। इसका एडमिशन का जो प्रक्रिया है 18 से 24 अगस्त का रहेगा, आप देख सकते हैं कि डेट किस इस प्रकार से है। और पूर्व निर्धारित डेट तो था आपका 9/8/17/8, लेकिन पुनः निर्धारित किया गया है अलॉटमेंट के लिए, वो 17/8/24/8 किया गया है। यानी 17 तारीख से आप जो है वो अलॉटमेंट लेटर जो फर्स्ट राउंड का है वो आप जो है कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों मैंने वेरिफिकेशन मैंने बताया आपको कि 18/8/24/8 का है। और सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका 28/8 को किया जाएगा। और सेकेंड राउंड का जो एडमिशन है अलॉटमेंट ऑर्डर है वो 28/8 से लेकर 4 मई तक का है। इस तरफ से जो पूर्व निर्धारित डेट है, पहले से निर्धारित था और पूर्व निर्धारित डेट में जो है कुछ आपका डिफरेंस मिल जाता है। और इसमें आपको ITI फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग प्रक्रिया में जो हिस्सा लेना चाहते हैं विद्यार्थी, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखना होगा। और डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि 10वीं कक्षा का जो या फिर 10वीं या 7वीं कक्षा का जो है वो मूल एडमिट कार्ड, मूल अंक पत्र, मूल ओरिजिनल जन्म तिथि को प्रमाणित करने हैं तो उसमें कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। और 12वीं कक्षा का मूल एडमिट कार्ड और मूल अंक पत्र होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र से लगाए गए फोटोग्राफ कॉपी, मूल जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल में जिला प्रमाण पत्र, वैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट के साथ जो है अपना एडमिशन का प्रक्रिया जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और इसका प्रकार से लिंक है जो अभी लिखते हैं कि वो है यहाँ से आपको दिखा रहा है हो चुका है। यहाँ से आप ये आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर सकते हैं जो काउंसिलिंग के लिए। तो आज का जो हमारा जानकारी था वो ITI काउंसिलिंग के लिए सबसे था, बहुत लंबा